हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के ब्लॉग में भी। तो अभी शाम के 7:15 हो गए हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में, ब्लॉग एंड करने के टाइम पे मैंने बोला था कि मैं जाऊंगी वॉक पे, लेकिन फिर नीरज आए, वो मनु को लेके कि चलो उसको थोड़ा सा घुमा भी लेता हूँ। कहाँ घुमाएंगे पता नहीं, अभी रात का टाइम हो रहा है, ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है बाहर। तो दूध की जो बाल्टी है वही लेके चले गए और फिर उर्वी को अकेले रख के जाना मेरे बस के लिए, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसको तो मेरे साथ ही रहना होता है। अगर मैंने जाना होता तो मैं इसको इनके साथ छोड़ के जाती, या मनु के साथ या नीरज के साथ, बट ये दोनों निकल गए तो यही दूध भी ले आएंगे और मेरी वॉक जो है आज भी कैंसिल होगी। बट मैं सुबह कोशिश करूंगी जाने की। एक तो आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो गई ना कि सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता है उठ के कुछ करने का। तो अभी मुझे लगाना है दाल में तड़का और मुझे बनाने हैं चावल और सुबह के लिए छीलने हैं मटर और सुबह बनेंगे मटर मशरूम। तो सुबह के लिए मटर छील के रख लें। मटर मशरूम बनेगी या भिंडी बनेगी पता नहीं, क्योंकि भिंडी भी लेके आए हैं और मशरूम भी लेके आए हैं। मटर तो खैर मैं कल ही लेके आ गई थी। तो उससे पहले आजकल उर्वी को जो है मैं शाम के टाइम ही नहला रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है और कल वैसे ही बारिश बताई है। कल वेडनेसडे है, आज ट्यूजडे है। और अपनी भी मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है क्योंकि फिर कल मुझे हेयर वॉश करने हैं और बाल वैसे ही मेरे बहुत ऑयली से हो रहे हैं और बालों की जड़ों में ना बहुत ऐसे लग रहा है, पेनफुल सा लग रहा है और बाल ड्राई भी बहुत ज़्यादा है मेरे आजकल। डैंड्रफ की जो दिक्कत है ना वो हो रही है। तो अभी ना बड़े दिनों से ये लड़की भूल गई थी कि फिल्टर से पानी निकालने का। अभी 2-3 दिन से फिर से इसका ना वहाँ पे फिल्टर के पास जाने का बहुत हो रहा है और ये क्या करती है वहाँ पे पानी गिरा देती है। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ क्योंकि फ़ोन आ रहा है मुझे, देख लेती हूँ किसका आ रहा है। ओके, तो जी ये रहा मेरा तड़के की तैयारी। यहाँ पे रहे टमाटर। अब आप सोचेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों, ये उर्वी मेरे पास पकड़ाती रहती हूँ और मैं यहाँ पे रखती रहती हूँ। तो ये रहा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च। और ये जानवर मेरे किचन में क्या कर रहे हैं, ये जानवर मेरे किचन में घुस आए हैं। तो ये अपनी मर्जी से नहीं घुसे, इनको उर्वी ने घुसाया है यहाँ पर। तो ये आती है खेलते खेलते, ये सारी चीज़ें यहाँ रख जाती हैं। तो ये रही कढ़ाई और ये रहे टमाटर और ये रही हमारी दाल जो कि बॉईल हो चुकी है। तो चलिए तड़का लगाना करते हैं शुरू। तो तेल जो है हमारा अच्छे से हो चुका है, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने जीरा और ये रहा धनिया। और अब ये चीज़ें डाल देती हूँ फटाफट से। तो ये सब कुछ डाल दिया मैंने साथ में क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। मैंने गैस की फ्लेम कम ही रखी है बट फिर भी, तो ये धनिया जो है वो जलना शुरू हो गया था, इसीलिए फिर मैंने ये प्याज व्याज सब कुछ डाल दिया एक साथ। और ये दाल ये देखो थोड़ी बनाई है मैंने ताकि डिनर में ही ख़त्म हो जाए, फिर अगले दिन के लिए बचती है, फिर कोई नहीं खाता, आई एम द ओनली वन जिसको खानी पड़ती है। उसको पकने देते हैं, ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर जो है मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। वैसे तो मैंने दाल उबालते हुए उसमें हल्दी डाल दी है बट स्टिल थोड़ा सा दाल का कलर अच्छा रहे, थोड़ी हल्दी हम अभी ऐड कर देंगे और नमक बस नाम मात्र, क्योंकि नमक को तो बाद में एडजस्ट किया जा सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ऐड कर दिया मैंने थोड़ा सा जो है, हम इसमें ऐड कर देंगे ये किचन किंग, बिल्कुल ज़रा सा, इतना ही ठीक है। हरी मिर्च मैंने एक डाल दी है क्योंकि मेरी परी भी है भाई खाना खाने वाली, तो वो मिर्च ज़्यादा उसको दे नहीं सकते। तो चलिए इसको भुनने देते हैं आराम से, तब तक हम चावल भी बो लेते हैं। तो ये लो जी ये चले गए टमाटर और ये मैंने फ़ोन में फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है। तो ये प्याज जो भून चुका है आपको थोड़ा अलग कलर का नज़र आ रहा है फ्लैश लाइट की वजह से। अभी इसको पकने देते हैं टमाटर को। टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने जो है टमाटर चॉप किए हैं, अगर ग्राइंड किए होते तो इनकी प्योरी बन जाती। और कद्दूकस में निकाल लो तो भी थोड़े छोटे टुकड़े हो जाते हैं, अब चॉपर में भी हो जाते हैं बट डिपेंड करता है चॉपर कितना चला रहे हैं। पर ये पकने देते हैं अभी आराम से। तो जी ये रही दाल जो मैंने बना दी है, बस इसको थोड़ी देर और पकाना है मुझे क्योंकि इसमें हल्का सा ना मैंने पानी ऐड किया है तो उसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इधर आओ देखो, ये देखो ये मेरी परी, ये मेरा परी, बोलो मेरी मम्मा, मेरी मम्मा बोलो पहले, मेरी मम्मा बोलो पहले, मेरी मम्मा बोलो पहले, मेरी मम्मा का मेरा पापा भी आ गया, मेरा पापा। लो 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 लो
सब कुछ ही मांगने लगी बेटा, तो आजकल क्या बात होगी? मेरा पापा ले क्या लाया पापा? दोनों की इसमें, मनु की भी इसमें, दोनों की सेम है? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, मेरा पापा, मेरा हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है। गिफ्ट? अरे बोलो गिफ्ट। नीना ये गेम चलिए और मैं तब से इसको संभालू कि नीचे ना गिर जाए बेड से, और इसको कोई टेंशन नहीं है गिरने की। गंदा बच्चा, दिस इज व्हाट यू वांट फॉर मी। ओह वाओ, पहन के दिखाइए, पहन के, पहन के दिखा देते हैं। ये तो उससे भी मोटी है, तुम्हारे वाली से भी। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के जो है 9 बज गए और आप देख रहे हो सुबह सुबह ही जो है मैं हेयर वॉश करके, अभी मैंने चाय भी पी ली है, हेयर वॉश किया क्योंकि पहले पूरी प्लानिंग थी ऑफिस जाने की, बट उर्वी को आज फीवर है तो फिर आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। इसको वैसे परसों फीवर था हल्का हल्का, तो हमें लगा कि वैसे ही नॉर्मली हो रहा होगा इसको फीवर, बट कल रात इसको बहुत ज़्यादा फीवर था और इसके ना ये गले वो टॉन्सिल बहुत जल्दी फूलते हैं, तो उसकी वजह से इसको फीवर आ गया। तो आज इसको काफ़ी तेज़ बुखार है। रात में हमने 11:30 बजे इसको दवाई दी और फिर उसके बाद सुबह 6 बुखार उतरता था, चढ़ता था, उतरता चढ़ता ऐसे ही हो रहा था। फिर सुबह 6 बजे जो है 6:30 हमने इसको फिर से मेडिसिन दिए, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है छुट्टी कर लेते हैं, तो आज मैंने अपने परू के लिए छुट्टी कर लिया है। हम घर पर रहेंगे और अगर ज़्यादा वो हुआ तो हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, है ना? हॉस्पिटल जाना है, जाना है हॉस्पिटल। अदरवाइज अभी तक ये ऐसे नहीं रहती थी, ये बहुत सुबह उठते ही खेलना मेरी गोदी में आ जाती थी, बट अभी चुपचाप लेटी हुई है। एक बार भी इसने गोद में आने की जिद नहीं की है कि मम्मा गोद में लो, नहीं तो लड़ती है मेरे साथ सुबह उठते ही, खेलती है, लड़ती है। What? सुस्त सा हो गया मैं बच्चू। एक्चुअली ना ये मौसम इतना ज़्यादा अजीब सा हो रहा है ना कि उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर आज तो वैसे बारिश बताई है और मौसम भी ख़राब है बाहर। नो, वैसे मैं इसको अपने साथ अपने ऑफिस भी ले जा सकती हूँ, बट फिर वही है कि बच्चा फिर रेस्ट वहाँ पे नहीं हो पाएगा प्रॉपर, इसको पूरे रेस्ट की ज़रूरत है। हाँ, नोज और आइज लिप्स टीथ टीथू का हेड शो मी योर हेड, वेयर इज योर हेड? नो, बैड हैबिट। हेड बताओ कहाँ है हेड? ये तो टंग है पप्पू, टंग किशू दे दो उम्मा कज्जो। आज मेरे बेबी सुस्तू हो गए एकदम से चुपचाप। हेड बता दो, मेरी परी का हेड कहाँ है? नहीं बताना सबको? नो, नहीं। तो अभी जो है सुबह उठ के खाना वाना मैंने बना दिया था क्योंकि मैं तो उसी हिसाब से काम कर रही थी कि ऑफिस जाना है नॉल, तो टिफ़िन वगैरह सब कुछ सब अरेंजमेंट मैंने उसी हिसाब से किया। बट अभी टिफ़िन मैंने पैक नहीं किया था, वो मैंने अभी करना था, तो अभी नीरज नहाने के लिए गए, बस उनका टिफ़िन पैक करूँगी और फिर मैं अपने परू को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। जाना है हॉस्पिटल हैं? पहले तो ये टीवी बंद करूं मैं, इससे भी मेरे को हल्ला ही लगता है, हल्ला, धुआं ही धुआं इसलिए हो रखा है क्योंकि अभी अभी जो है पूजा पाठ करके गए हैं पति जी हमारे, और ये रोटियों का जो डब्बा हॉटकेस यहीं पे रख के चले गए हैं। तो अभी मैंने पानी भरा पीने के लिए, कुछ यहाँ पे बॉटल्स फिल्टर से भर के मैंने रख दी है और फिल्टर में पानी अभी डाल रही हूँ मैं, डल ही रहा है अभी भी, और डालूंगी इसमें एक दो जग पानी के। और अभी सब्जी वाले अंकल आए थे तो उनसे मैंने बहुत सारी सब्जी भी ले ली है, बहुत सारी नहीं सब्जी तो दो ही है। ये है इतना बड़ा लिफाफा, इसमें मैंने बताती हूँ क्या क्या लिया है, एक मिनट, धनिया बाहर निकल के आ रहा है।
इसमें धनिया लिया है, मटर ली है मैंने, गाजर ली है और गोभी का एक बड़ा सा फूल लिया है, वो पता नहीं कहाँ चला गया होगा, नीचे ही गई इसमें। तो गाजर लिए मैंने इसलिए कि ताकि आज शाम तक इनको धो के रख देती हूँ अभी, और जब भी टाइम मिलेगा तो इसका मैं गाजर का हलवा बना दूँगी। ये धनिया ले लिया मैंने, मटर ले लिया और गोभी का एक बड़ा सा फूल भी है यहाँ पे, ये पड़ा इस साइड, ये भी ले लिया। तो इनको सब्जियों को वॉश करके रखती हूँ, स्पेशली गाजर को। तो ये रही जी गाजर, गाजर मैंने वॉश करके रख दिए तो थोड़ी देर में सूख भी जाएगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सुखाना ज़रूरी है कि नहीं, और इसको बस छीलना है प्रॉपरली। बट हाँ ये होता है कि थोड़ी थोड़ी इसमें ना मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए, ये देखो। और अभी ये दो चार बर्तन है इनको धोती हूँ मैं। और आज हमने बनाए हैं मटर मशरूम, तो इनको ढक देते हैं अभी क्योंकि खाना भी थोड़ी देर में खाएंगे। पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, देखो हाथ कैसे लाल हो गए, ये ठंडे पानी में हुए क्योंकि थोड़े से बर्तन थे। और ये गाजर भी धोई ना मैंने, और अभी भिंडी लाई थी तो भिंडी रखी है भुनने के लिए, अभी भुन जाएगी, इसको सुखा के फिर देखते हैं शाम को बनाते हैं शायद। ये रही भिंडी, भिंडी मैंने वॉश करके रख दी, इसमें बीच बीच में ना कहीं पे ये मिर्चे भी है, ये किस चीज़ का पत्ता है। और ये रहा धनिया, ये कल वाला ये मुझे छांट के रखना है, आज वाला दिया वो ज़्यादा फ्रेश है, वो भी छांट के रखूँगी। बट अभी ना थोड़ी देर हाथ को सेक लेती हूँ ब्लोर के पास। तो ये सारे काम हो गए किचन के, खाना तो बना ही हुआ है ऑलरेडी क्योंकि मैंने आपको बताया है सुबह मैंने सोचा था कि ऑफिस जाना है, तो इस हिसाब से मैंने खाना बनाया था। तो ये अब मैं क्या करूँगी कि उर्वी के साथ बैठ जाती हूँ, उसको भी बुखार है तो उसके पास जाती हूँ, और थोड़ी देर के लिए काम वाम तो होते रहेंगे, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। हाँ जी, तो जी अभी 11:30 हो गए हैं और उर्वी को मैं बिस्तर में बिठा के आई हूँ एकदम। मैं उनका व्लॉग एंड कर देती हूँ, मौसम इतना ख़राब है और लोगों ने कपड़े धो रखे हैं, और वो भी कम नहीं, बहुत सारे। आज फिर से स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर चला ही हुआ है अभी। अब आप बोलोगे यहाँ से तो यहाँ से स्नोफॉल तो नहीं दिखता कि स्नोफॉल हो रहा है, बट वो जो धुंध पड़ती है ना स्नोफॉल वाली, वैसी धुंध हो रही है। तो बारिश बताइए आज के लिए होगी कि नहीं होगी, भगवान ही जाने। धुंधलाधार थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है तो आपको दिखाई देती हूँ, वो देखो बर्फ़ काफ़ी पड़ रही है अभी भी हल्की हल्की सी, इसीलिए पहाड़ियाँ से धुंध नज़र आ रही है ऊपर। और मौसम का नज़ारा दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ये देखो बादल ही बादल, बिल्कुल बारिश वाला मौसम है। ठंड उतनी ज़्यादा अभी है नहीं फ़िलहाल, पर हाँ मौसम ख़राब है, बारिश होगी तो ठंड भी हो जाएगी फिर। और धौलाधार तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो लग रही है यहाँ से, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है ना, और अब ऐसे ही रहने वाला है एक दो महीने बर्फ़ वाला। तो बस अभी मैं निकली थी बाहर, थोड़ा सा मैंने कहा चलो थोड़ा छत पे टहल के आती हूँ। और अभी अगर इसका बुखार उर्वी का भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि सुबह इसको 6 बजे के करीब हमने जो है दवाई दी थी, तो अभी तक तो ठीक है बुखार। बट इन केस दोबारा इसको फीवर आता है तो फिर उसको दिखाने के लिए लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो ये जो व्लॉग है ना इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग देखते रहिए, और अपना जो प्यार है वो यूँ ही देते रहिए मेरे चैनल को।